विथ लॉट ऑफ ऑप्शन इन हैंड क्या रहेगी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 कल के मैच के लिए, लेट्स फाइंड आउट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्पोर्ट एलिवेशन। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहाँ पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूँ, यहाँ पे डेली वीडियोस आपके समझे आने की कोशिश करते रहता हूँ, जिसमें क्रिकेटर्स का भी इंटरव्यू होता है, उसके साथ ही साथ क्रिकेट के प्री मैच पोस्ट मैच एनालिसिस यहाँ पे मैं करते रहता हूँ, और उसके साथ ही साथ क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे मैं देने की कोशिश करते रहता हूँ। तो जो कि यहाँ पे मेरा फ्रेंड नया है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियो आपके सुनने जाता रहा हूँ। इसके लिए विथ लॉट ऑफ ऑप्शन इन हैंड क्या रहेगी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 कल के मैच के लिए, उसके साथ ही साथ आरसीबी के लिए आई है बुरी खबर, तो वो भी जानेंगे, तो वीडियो अंत तक देखते रहे। कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि मतलब किरण मोरे जो है मुंबई इंडियंस के, तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, ग्राउंड स्टाफ जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था मुंबई स्टेडियम का। बट अभी की अगर बात की जाए तो सारे जो है ग्राउंड स्टाफ वो निगेटिव आए हैं, उनके रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आ चुके हैं, और इसके चलते हुए कोई परेशानी और दिक्कत का सवाल नहीं उठ रहा है। अभी आराम से टीम प्रैक्टिस कर सकती है और मैचेस खेल सकती है, तो मुंबई के मैचेस जो है वो मुंबई में ही खेले जाएंगे। तो क्या रहेगी प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस के लिए दोस्तों, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तीन ऑप्शंस उनके पास जो है, मतलब धवल कुलकर्णी, नेथन कुल्टर-नाइल, एडम मिलने और जिमी निशम, ये चार में से कोई एक ही खेलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप उनकी प्लेइंग ऑलरेडी देखो तो हार्दिक पांड्या उनके पास मौजूद है, जसप्रीत बुमराह को बोलेंगे और राहुल चहर एज अ स्पिनर वो खेलते हैं, और कृणाल पांड्या, ये दो स्पिनर उनके पास रहते हैं हमेशा और तीन पेसर के साथ हमेशा उतरते हैं। बट पिछले साल की कहानी कुछ अलग थी, अभी उनके पास नेथन कुल्टर-नाइल, ट्रेंट बोल्ट या फिर बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज मौजूद है, तो मेरे हिसाब से ट्रेंट बोल्ट एक खेलेंगे, जिमी निशम नहीं खेलेंगे इस साल, मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ड खेलेंगे कल के मैच के लिए, नेथन कुल्टर-नाइल खेलेंगे, और उसके साथ ही साथ हमारे प्यारे सबके लाडले जसप्रीत बुमराह, जो यॉर्कर किंग हम जिनको कहते हैं, तो वो खेलेंगे एज अ तीन, ये जो तीन मेन पेसर रहेंगे, फिर हार्दिक पांड्या चौथा एक पेसर उनके पास ऑलरेडी मौजूद है ऑलराउंडर के रूप में, और बाकी की टीम तो मतलब सेम ही रहेगी, क्रिस लिन हो गए या फिर रोहित शर्मा, ईशान किशन, ये सारी टीम जो है मतलब ऊपर वाला जो क्रम है उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव वैसे भी अच्छे फॉर्म में है, तो रोहित शर्मा, क्रिस लिन, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, फिर बाद में हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, राहुल चहर, फिर और तीन पेसर हमारे जो मैंने बताया अभी कि नेथन कुल्टर-नाइल, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, ये रहेगी मेरे हिसाब से प्लेइंग 11। अगर आपकी प्लेइंग 11 कुछ इससे डिफरेंट है तो वो मुझे नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हो। और उसके साथ ही साथ दोस्तों आरसीबी के लिए बहुत ही, डैनियल सैम जो ऑस्ट्रेलियन पेसर है, तो वो अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इससे बहुत ही मतलब चिंताजनक माहौल है आरसीबी के खेमे में, और पता नहीं चल रहा है कि ये प्लेयर्स को कोरोना कैसे हो रहा है, क्योंकि बायोसिक्योर बबल में है वो, तो पता नहीं कि वो कैसे हो रहा है। बट अभी की रिपोर्ट्स की अगर माने तो डैनियल सैम टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना, और इसके चलते हुए ही मतलब उनके प्लेइंग 11 में भी दिक्कत आएगी जरूर, क्योंकि डैनियल सैम्स भी नहीं रहेंगे। बट हालांकि यहाँ पे एक और अपडेट आई है, देवदत्त पड्डीकल की जो रिकवरी है वो हो चुकी है, और जो दूसरी बार टेस्ट की है उनकी तो कोरोना निगेटिव पाए गए है वो, तो शायद मेरे हिसाब से कल की मैच खेलेंगे। 50-50 है अभी का माहौल, वो कल ही पता चलेगा कि खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। बट इतना पता है कि देवदत्त पड्डीकल जो है वो दूसरी बार जब उनकी टेस्ट की गई थी वो निगेटिव पाए गए हैं। तो देखते हैं कि कल के मैच में क्या होता है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो ये भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना, क्या आप भी आरसीबी के सपोर्टर हो, अगर हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर नहीं भी हो तो भी प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियो आपके सामने लाता रहा हूँ इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लाता रहा हूँ तब, और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।